नमस्कार, आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष अवस्थी। एक बार फिर मैं खड़ा हुआ हूं आम्रपाली दफ्तर के बाहर। आज 20 दिन हो चुके हैं इनको यहां पर धरना देते हुए, मगर उसके बाद भी इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। सरकार के मंत्री आए, सरकार की कमेटी बनी, बातें करी गई, बड़ी बड़ी बातें गईं, इनको आश्वासन दिया गया, मगर उसके बाद भी ये लोग यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। आखिर हम इनकी वजह जानते हैं, आखिर क्यों सरकार के आश्वासन के बाद भी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और क्यों उठना ही नहीं चाहते। मैं आपको लोगों से ही पास लेकर चलता हूँ। अभी खाली आश्वासन ही मिला है और जब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। लोगों का पैसा लगा हुआ है बहुत बड़े मात्रा में, सारी कमाई लगी हुई है, लेकिन अभी खाली आश्वासन मिले हैं, कोई ठोस नतीजा भी नहीं हुआ। जब तक नहीं होगा तब तक लोग रहें। मांग ये है कि कोई ठोस रोड मैप इसमें बने और लोगों को कोई तसल्ली हो, जिससे कि कोई सरकार ठोस कदम ले रही है। अभी नेता भी अलग अलग आ रहे हैं, कभी पंकज सिंह आते हैं, कभी महेश शर्मा जी आते हैं। क्योंकि जो इन्होंने आश्वासन दिया वो सिर्फ ख्याली पुलाव है। रिटर्न में जब तक ये नहीं देंगे अथॉरिटी के साथ और बायर के साथ में मिल करके और बिल्डर के साथ में मिल के, तब तक ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। हम लोगों को रिटर्न में चाहते हैं कि कुछ रिजल्ट आना चाहिए। अभी ये सिर्फ ख्याली पुलाव दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं। सर, सारी आश्वासन ही दे रहे हैं कि तुम्हारा मकान 2 साल में मिल जाएगा, हमने मीटिंग कर ली है, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा, ये आश्वासन तो पिछले 5 साल से हमें मिल रहा है मगर कुछ काम नहीं हो रहा। हमारे कोई उठने का अभी तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी कोई आश्वासन कोई कॉन्क्रीट नहीं उठेंगे। जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हमारे हाथ में ऑथराइज लेटर नहीं आ जाएंगे, हमारा काम नहीं शुरू हो जाएगा। हम यहाँ से नहीं हिलेंगे यहाँ से। हमें गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिलना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए हमारे कौन कौन को डेवलपर आ रहे हैं, कौन कैसे बनाएगा, रोड मैप हमारे पास होना चाहिए। हम तब उठेंगे यहाँ से, हम नहीं उठेंगे। जब तक हमारा काम नहीं शुरू हो जाता, हमारी वहाँ पे मांगे नहीं पूरी हो जाती, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। धरने पर बैठे हुए इन्हें 22 दिन हो चुके हैं, मगर इनके जोशो खरोश को देखकर कहीं से नहीं लगता कि घर बार छोड़कर ये पिछले 22 दिनों से यहीं डेरा डाले हुए हैं। हमने आम्रपाली ग्रुप से कोलैबोरेशन करके छोटे छोटे बिल्डर्स को दिया है, जो लोग इसमें कोर बिल्डर्स हो, जो लोग उनकी समस्या अपनी समस्या समझ के और यानी जो बायर्स हैं उनके ऊपर कोई एडिशनल बर्डन या उनके ऊपर जब तक कंप्लीशन के स्टेज तक कोई बर्डन बिना डाले उस समस्या को हल करेंगे सर। और वो अपने पास से इन्वेस्टमेंट करके उसके फ्लैश को पूरा कराएंगे अपने पास से। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई और विकल्प हो नहीं सकता था कि बायर्स के कंधों पर बिना बोझ डाले इस समस्या का हल हो जाए। इनका कहना है कि हमें मंत्री जी के आश्वासन पर तब तक भरोसा नहीं है जब तक सरकार हमें लिखित में कुछ नहीं दे देती। इस आक्रोश के बीच हमें एक ऐसे शख्स भी मिले जो धरने पर बैठने के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं। ये एसके अहलूवालिया जी हैं। इन्होंने धरने पर बैठे हुए सभी लोगों के चाय नाश्ते का जिम्मा खुद उठाया हुआ है। आम्रपाली दफ्तर के बाहर पिछले 20 दिनों से लोग धरने पर बैठे हुए हैं, मगर एक शख्स ऐसे भी हैं जो धरने पर तो बैठे हुए हैं मगर समाज सेवा भी कर रहे हैं। पिछले 20 दिनों से जो बच्चे जो बूढ़े यहाँ पर धरने पर बैठ रहे हैं उनको लगातार चाय बना रहे के पिला रहे हैं और नई नई डिशेज भी खिला रहे हैं। आइए हम उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सूरज प्रकाश आलूवालिया है। कहाँ है आपका? मेरा फ्लैट जो मैंने बुक कराया था वो इसका नेम ऑफ आदर्श आम्रपाली आदर्श आवास योजना, जिसमें लेदर वैली उन्होंने उसका यूनिट का नाम दिया था, 2015 के अंदर बुक कराया, जो आज तक ना तो उसकी ज़मीन कोई प्रशासन से अलॉट हुई है और ना ही कुछ वहाँ पे कोई 1% भी काम हुआ है। वैसे का वैसे ही खड्डा पड़ा हुआ है। उसी खड्डे को दिखा के इन्होंने कई लोगों को लूटा है, किसी को ड्रीम वैली के नाम से, किसी को लेदर वैली के नाम से। अलग अलग प्रोजेक्ट दो दो चार चार महीने बाद उनको लॉन्च करते गए और वही जगह दिखाते हैं। तो हम पिछले 20 दिन से यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, तो मैंने जो ये मुहिम चलाई है, ये जब तक कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं आता है, हमने समाज सेवा की तरह यहाँ पे चाय और छोटा सा जलपान जो भी हम दे पा रहे हैं। हम पिछले 20 दिन से कभी पकोड़े वगैरह बना रहे हैं, कभी छोले भटूरे बना रहे हैं, कभी पाव भाजी बना रहे हैं, कभी कल हमने पुलाव बनाए, कभी लस्सी पिला रहे हैं। तो छोटा सा चाय पानी का प्रोग्राम ये 24 घंटे चलता रहता है। तो ये आपने कब से शुरू किया? क्या 20 दिन से आप यहाँ पर इनके साथ चाय बनाकर पिला रहे हैं? नहीं, मैं 3 दिन के बाद 4th दिन से आ गया। मेरे को 16-17 दिन हो गए, आज 17वां दिन हो गया है। पिछले 11 महीनों से सैलरी ना मिलने के विरोध में बैठे आम्रपाली के स्टाफ की भी सुनने वाला कोई नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति कोई नई कंपनी ज्वाइन करता है तो कंपनी की तरफ से सबसे पहली बात ये कही जाती है कि आपको कंपनी के लिए ईमानदार होना होगा, कंपनी के लिए काम करना होगा। मगर अगर कंपनी ही ईमानदार ना निकले तो?
कुछ ऐसा ही हुआ है आम्रपाली के स्टाफ के साथ, जो कि यहाँ पर पिछले 15 से 20 दिनों से बैठे हुए हैं, मगर इनकी कोई नहीं सुन रहा है। अनिल शर्मा ने इनको कई बार आश्वासन दिया कि इनको इनकी सैलरी मिलेगी, मगर उसके बाद भी इनको अब तक कुछ नहीं मिला। हम इन्हीं से जानते हैं आखिर इनको सैलरी की बात क्या हुई थी अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी ने बोले थे कि हम एक हफ्ते में सैलरी रिलीज कर देंगे आप लोगों की, लेकिन आप 10 दिन हो गया, उसका मतलब कुछ पता पता नहीं अभी क्या होगा आगे, कब सैलरी मिलेगी। अभी 24 तारीख को हम लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि आप लोग एक हफ्ते के अंदर में हम सैलरी रिलीज करते हैं। हम लोग कि आप डेट दीजिए कब तक दे देंगे, डेट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन बोला कि एक हफ्ते के अंदर में हम कर देंगे। हमको सर 14-15 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, और इस बीच में केवल एक दिन आए थे CMD साहब, जो कि प्लेटियर से मिलने के लिए, हम लोग से मिलने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन हम लोग उनसे मिलने की कोशिश करके उनसे मिले तो हम लोगों को लॉलीपॉप की तरह, जैसे लॉलीपॉप बच्चे को दिया जाता है ना, बच्चे रोता है घर में तो उसको कहते हैं ले लो लॉलीपॉप खा लो, तो बच्चे चुप हो जाता है, इसी तरह से हम लोगों को लॉलीपॉप दिए कि हम एक हफ्ता में आपको सैलरी रिलीज करेंगे, लेकिन एक सप्ताह के अंदर ख़त्म भी हो गया डेट, और ना वो हमसे मिलने आए हैं, ना उनका कोई स्टाफ मिलने आया है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, नहीं कोई सैलरी दे रहे हैं, और आगे पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि कोई रिपोर्ट ही नहीं उनको, उनका क्या नियत है। और हम लोग 24 घंटे दिन रात करके मेहनत करके इनके कंपनी में आए, 4-5 साल से काम कर रहे थे, और इसका नतीजा है कि हम ही लोगों को 11-12 महीने की सैलरी रुक गई है, जो कि अब मिलने के लिए भी तैयार रहते, केवल लॉलीपॉप ही देते हैं, लॉलीपॉप के अलावा कुछ देते ही नहीं। जी हम अपने विधायक जी से हम खुद पर्सनली जाके मिले हैं ऑफिस में, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपकी समस्या को जल्द सॉल्व कर देंगे, अब एप्लीकेशन को हम आपको फॉरवर्ड कर दिया है DM को, फिर हम लोग सब जा करके DM से मिले, फिर उन्होंने समस्या को सुना, बोला ठीक है आप जो अब जाइए वहाँ DLC के पास जाइए, और जो है वहाँ पे आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। फिर हम DLC के पास सारे लोग गए, और DLC ने क्या किया कि फिर वो बोले ठीक है आप लोग जो है ये अपना वो जो है कंप्लेंट कीजिए, वो केस फाइल कीजिए, लेकिन ऐसी स्थिति में हम केस कैसे फाइल करें, हमारे पास ना तो खाने का पैसा है, ना तो कोई यहाँ सर्वाइव करने के लिए कोई तरीका है। हम लोग पहले किसी तरह मैंने रिक्वेस्ट करें कि हमारी सैलरी दिलाइए, तो अभी सैलरी दिलाने के लिए उन्होंने यहाँ फिर हमारी मीटिंग हुई यहाँ पे हेड ऑफिस में, हमारे अनिल शर्मा जी CMD साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि ठीक है हम 24 तारीख को मीटिंग किए, बोले ठीक है एक हफ्ते के अंदर जो है आपको सैलरी मिल जाएगी, ट्रांसफर करा देंगे, डेट नहीं दिए, फिर भी हम लोग वेट करते रहे, ठीक है कोई हम मतलब हम कोई दंगा नहीं किया, कोई शांतिपूर्वक हम जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाढ़ से मेरे गाँव में घर बह गया है, और यहाँ कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, हम रोड पर आ गए हैं, बताइए क्या किया जाए। यहाँ संतवना मिल रहा है कि एक हफ्ते में 10 दिन में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, रोज आके कह रहे हैं, अब तो बिल्कुल हमारी हालतें खराब है, कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो देखा आपने, ना घर मिला ना ही सैलरी मिली। आज से कुछ साल पहले आम्रपाली जाना जाता था सपने दिखाने के लिए, मगर अब और आगे चलकर आम्रपाली जाना जाएगा सपने तोड़ने के लिए। रियलिटी मीडिया के लिए उत्कर्ष अवस्थी।